मैं खास तौर पर हर एक सुनने वालों को आदाब अर्ज और खास तौर पर जो प्रदेश के लोग हैं आप लोग को भी मेरा प्यार पहुंचे। भाइयों बहनों, आप लोग शायद सुने होंगे कि नई जवान का यूस्टिची 4 मिलियन यूरो और फिर नेशन 3.5 मिलियन यूरो ये पैसा न्यूजीलैंड का यूस्टिची बसलाख में लिया था। जैसे आप जानते हैं रिपब्लिक बैंक 4 मिलियन पैसा न्यूजीलैंड से त्रिनिदाद को भेजा है। रिपब्लिक बैंक 4 मिलियन पैसा जो त्रिनिदाद एंड टोबेगो बैंक के लिए था, यह पैसा KLM के जरिए KLM फ्लाइट के जरिए न्यूजीलैंड से होकर के त्रिनिदाद एंड टोबेगो को यह 4 मिलियन यूरो जाना चाहिए था। KLM यह पैसा देख करके न्यूजीलैंड यूस्टिची को संदेश दिया कि पैसा सूरीनाम के 4 मिलियन यूरो त्रिनिदाद को जाता है। न्यूजीलैंड की यूस्टिची ये पैसा बसलाख में ले लिया। उससे पहले कि हाकरिंग बैंक, सूरीनाम से बैंक और फीना बैंक, ये 3 बैंक पैसा नीखी 5 मिलियन पैसा, ये पैसा शीना मुल्क के लिए जब भेज रहा है तो यह पैसा भी न्यूजीलैंड का यूस्टिची बसलाख में ले लिया है। ये 3रा हफ्ता हुआ है, अब न्यूजीलैंड का यूस्टिची 4 मिलियन जो रिपब्लिक बैंक त्रिनिदाद के लिए भेजा है, यह पैसा छोड़ दिया है यानी रिपब्लिक बैंक के वास्ते, क्योंकि RB बैंक न्यूजीलैंड के सरकार को इस पैसा के बारे में ठीक रूप में बताया हुआ है। जब न्यूजीलैंड के सरकार को यह सब बात पता चला है तो 4 मिलियन पैसा जो बैंक त्रिनिदाद के लिए था, यह पैसा अब रिपब्लिक बैंक के लिए लौटा दिया है। रिपब्लिक बैंक के लिए ये पैसा लौटा दिया है। तो जदवाले शहर से न्यूजीलैंड हेफ हैट गेल्ड फ्रीगेगेवन नादत हैट द रिपब्लिक बैंक वाज गेलुक्ट परजोंडन गेलुक्ट ऑफ द नेदरलैंडस ऑथोरिटेटन टू ओवरटुइगन van de legitimiteit van de geldzending. Toen je pijsa 4 miljoen je bank ko wapas de diya hai, lekin 19,5 miljoen Nederland ke sarkar dwana recherche janna chahte hai ki je pijsa kaha se kamailo hai, kaha se je pijsa aayil hai aur kaun cheez ke liye ये पैसा स्टोर्ट हुआ है। जिस एक पैसा 4 मिलियन छोड़ दिया है और नीखी 25 अभी बसलाख में है। जो कोर्ट के चहरी सूरीनाम में होता था 17 अगस्त से रेख्तलु फकांसी से चला गया है। भाई बहनों, द रेख्तलु माख्त पर फ्रीडक 17 अगस्त ये लो रेसेस से गया, मतलब कि छुट्टी से गया है। ये 6 हफ्ता तक ये लो फ्री रहेगा, सेस वीकन, क्योंकि मानदाह 1 अक्टूबर को कोर्ट फिर से शुरू हो जाएगा। इसमें खलीज इंस्टॉलेशन भी लग गई लकांतर खबर में मिस्टर विल्फिंग स्ट्रैट में, और आप तो जानते हैं कि कोर्ट खदेंग वगैरह वो हमेशा आप इंडिन कर सकते हैं, लेकिन ये कांतोन खरेख के मामला ये 1 अक्टूबर को अब शुरुआत होगा। तो प्यारे प्यारे लोग, रख्त लोग इस वक्त फरलोफ से है,
loke tegen reces, ja verlof, je rechterloke verlof dit ja geja he. Wie viso la tarik se, de bond, politiebond, ik algemene ledenvergadering lagaan in kibad, of vice-president als we dat dien ko betaard dit te huwe, je se viso se alag ho geja he. Wie vesola tarik se, viso se je bond jane nikal geja he. Viso jo binnenlandse zaken me he, en jo ambtenaren ke salaris thik karta he. To viso me se justitie bond, politie bond, bahar chalaya he. Bhaio jo neya salaris reeks jo he, ambtenaren ke liye, to laagste groep ke mila he, 121%. Vanaf september 121% jullie vooruitgeja hebben. Bruto salaris. Als we maken wat eigen, kan je ze je sub hua hebben. Netto vooruitgang heeft 24%. Dus netto vooruitgang 24%. Deze keer academie ambtenaar. Bruto 788 epaisa kamata he. Dus aap zani onthok kije. Iemand die dus bruto 788 verdiende, zal op zijn salarislip een bedrag van 1742,17 mogen verwachten. En vervolgens 1426,45 op de bankrekening, dus na aftrek van loonbelasting, ontvangen. Samad gele kaki. Samad gele natu. Dus je zaad zo atasi 788 door de bankrekening per pijl stort wat atha. अब सब जोड़ती औरती करने के बाद 1742.53 रहेगा लेकिन बैंक वापस तौर्त होगा 1426.45 पैसा है ना काकी अब जा करके पैसा तौर्त होगा और ये 500 जो आपको मिलता था 500 रुपया koopkracht versterking, ab je nahi milega, kyunki ye salaris mein lag jayega. Aise baat hai. Pyare log, barka amtenaar ke liye ab ye onderhandel hoga. Hogere functie groepen, directeur, onderdirecteur, un logon ke liye ab ye baatcheet hoga. CLO, un logon ke liye baatcheet karega. Ye sirf amtenaren jo hai, sabhi log kehte hain, amtenaren in de laagste functiegroep wat je hebt. 121% wil ook niet vooruit gaan. Hé, hey, bhaiya, je to ambtenaren ke baat se ne kaka. Lekin dukaan jo hai na, tani se chinwa log se baat kariyo, prijs verhoog na kare. Jab wo log ko sunne mein aa jate hain ki aap log ko tankha badhal, to wo log hi paisa chadha deta hai. Tani ja karke, और आप लोग चिन्मो लोग से बातचीत करियो ना कि ऐसे ना करे जनता के बड़ी तकलीफ होता है समझे ना काका अरे हम का सुन ली है पतंग उड़ाने के समय आ गया है अब जे ही के सुनो कहा है मुटकी बोले पतंग उड़ावे कहा लमकी ओ पतंग उड़ाओ थे आजकल सबके पतंग उड़ाते बप्पा तो आप देखिए कि बहुत बड़का बड़का पतंग इसको बिक रहा है फ्लिकर तेज है और यही कि देखो खड़े होकर के पतंग उड़ाती है पतंग है देखिए कमिश्नरियात पारा में एक अमतनार तुकीना ईना एक और पूरा नाम है इंग सुबारमान एनम फिर तक यार ये काम की है अब ये पेंशन से जा रही है कमिश्नरियात पारा से ये बेचारी अब पेंशन से चल गई है बहुत काम करी सर अब ये पेंशन से चल गए हमारे देश के तमाम जनता भाइयों और बहनों
एक श्वेयरफर के बारे में बात करना जा रहा हूं, रफीक खी एक श्वेयरफर है। बीफे के बात है, पुलिस चिमेंदर इनको गिरफ्तार किया है। एक दुकान में गई है तो कासा पर एक वेंकलिस्टर दुकान के मालकिन बैठी है, अब उनसे मुफ्त में ये सिगरेट के मांग किया। रफीक खेई ने सिगरेट एक सिगरेट के मांग किया। वेंकलिस्टर कहती है, ए भैया पैसा देख करके तो कहीं ना किन के जाओ। बट तब ले तो रफीक खेई इतना गुस्सा, बस मारी से भैया वो घूसा दुकान के मालकिन की, बिचारी एकदम फ्लैट जमीन पर एकदम से फुलाओ। बस दुकानदारी जाकर के नालिश की है, क्योंकि रफीक 400 पैसा लेकर के भी भगा। 400 पैसा तो अब पता चला है ये गिरफ्तार हो गया है, और अब का करियो, ये माफी भी मांग दी से दुकानदार भी कुछ कही है कि छोड़ दे वगैरह वगैरह, तो रफीक को छोड़ दिया गया है। देखो शायद पैसा भी वापस दे दिया, लेकिन रफीक को छोड़ दिया गया है। एक आदमी जिसका नाम है, एक लड़का केशा वे लुटावन यूनिवर्सिटी में पास हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस का डिप्लोमा। एक बप्पा मैया के नाम है महेंद्र और शांति लुटावन, बहन बहनों रेशमा और अनंत, वैसे अरुष और अमालिया भी केशावी लुटावन को बहुत से बहुत बधाई देता है। प्यारे प्यारे लोग, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो पास हुआ है, रापार भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये भैया ये जनता, एक पॉलिटिक पार्टी जिसका नाम है स्टे, इसका सभा नेत्री है मायशा न्यूज। मायशा न्यूज बड़ी नाराज है अज अमजद अब्दुल को ऊपर दिए नाले। बोले अजमत अब्दुल वेट ऑफ द स्टार्च क्रोथ जो असेंबली में लोग को पढ़ करके सुनाया है, तो इस लड़की के देखने में अब्दुल सही चीज जनता के सामने नहीं पेश की है, इसलिए स्टेक मालकिन डायरेक्टर या फोर्सेटर मायशा न्यूज के कहना कि 8 लाख अब्दुल नॉट द प्रलन बक, मतलब उसमें कोई ठीक और कोई भलाई वाला चीज नहीं है और कोई सच्चाई वाला चीज उसमें नहीं है, सब झूठ फूट तय करके लोग को भरमाया हुआ है। आप जनता है प्यारे प्यारे लोग, एक मां ने अपने बेटुआ को ऊपर नालिश की है आकाश बेई के ऊपर, क्योंकि आकाश बेई घर के समान बैदन खुद वगैरह ये सब चुप्पे से बेच दिया है। मां के जो चोरी हुआ था गहना वगैरह, इनकी मां जब आकाश के घर गई तो कैटिंग गटई के केटी उनके घर में देखी, तो ये समझ जाओ 100% तक बेदन को चोरी हुआ है, समझे ना। और जहां तक पता है रेक्टर नहीं पुलिसी दे आकाश को ले जाकर के पूछपाछ करवा रहा है, समझे ना, और उन्हें बंद भी किया है, उन्हें ले जाकर के भी बंद किया है। बड़ा गड़बड़ बात है भाई, लड़कन घर ही चोरी करने लगा तो अब करियो कौन सी करियो काका है? बहुत मुसीबत वाला बात है भाई। ये जो सियालों के मामला कुछ बिगड़ गया है तो मिस्किन कहता है कि ये कसूर जो हुआ है ये सेबी मां के कसूर है। ये भैया ये सलारस पर हो कि ये कागज पत्तर के बात जो है, तो बोले से बीमा के कसूर से ये सब हुआ है। बात आगे उनसे सुख होगा, और मिस्किन जो सीएलओ की तरफ से बात करता है, और सीएलओ आमतना लोग यही पूछपाछ करते हैं
कि आप तो हल्ला वल्ला मचाए लो भैया, लेकिन कब पैसवा मिली, बंकवा कब स्टॉर्ट करी, वो बतिया लोग सुनने सुने मावे हैं। प्यारे लोग, हमारे देश के तमाम जनता, मैं जो वर्कर एंड कलांतन फाउंडेशन बरोत फाउंडेशन, ये है भूटान स्ट्राट, मोबाइल टेलीफोन, लैपटॉप, पोर्टमोनी, 500 रेबुवेस, इडेंटिटीज कार्ड, पेन पास, 2 मानन ब्रो ऑफिस बैठ करके वहां पहुंचा और घुस करके इन लोगों के पास कटलिस था भैया, कटलिस सब ड्रेसडन है मैड हॉवर, और ये सब सामान लूट करके और वहां से भाग निकला है। गड़बड़ बात है भैया, चोर इस वक्त कटलिस लेके चौथा है, कटलिस लेकर के काका करियो तो का करियो है, एक 66 साल का आदमी ज्वार्टनहोफ्रस्ट्राट में उनका ब्रॉन्फिस उनकी हाथ से छीन लिया गया है, क्योंकि टिमरमैनस्ट्राट से डाकू आकर के इस आदमी का ब्रॉन्फिस इनकी हाथ से निकाल लिया है। तो आप समझ सकते हैं, है व्यर्थ प्लॉट सेलिंग डोर अन मान एंड अन फ्रो ओवर फॉलन, औरतिया के पास एक लंबा छोरा थी और इनका ब्रॉन्फिस एक हाथ से छीनी सर, और फिर ये दोनों ब्रॉन्फिस लेकर के वहां से भाग निकला है। इस वक्त मर्द और औरत मिल करके चोरी करता है, जनता को लूटता है, समझे ना। एक ब्रॉन्फिस एक सवारी वेलखदा देई वहां टकराया है, जबरदस्त धक्का, अनविश्व एक ब्रॉन्फिस को कुचल दिया, ब्रॉन्फिसर को एम्बुलेंस के जरिए स्पोर्ट एशन हेल्प को पहुंचाया गया है, समझे ना काका। रेक्टर रॉबर्ट प्राह क्लाइड एन को रिहाई कर दिया है, एक स्पोर्ट कैफे मेंडर और क्वार्टरबैक नीखा के नवंबर को, इन पर इल्जाम था कि वहां घुस करके पिस्तौल के धमकी से वहां पर ये सामान चोरी की है, सामान लूटे थे, लेकिन जब रेक्टर साबूत मांगते हैं तो लोग समय पर दे नहीं सका, इसलिए क्लाइड एन को कल रिहाई कर दिया है। सुनने वालों, एक 22 साल का स्टासियर कल सुबह 4 बजे पारामारिबो में इनका लूटी गई है, ये बेचारी टैक्सी से घर पहुंच रही है, जब ये अपना अपार्टमेंट के दरवाजा खोलना चाही, दो डाकू दौड़ते 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 बेचारी को पहले तो मारी से वो धक्का, और उनकी ताश उनकी हाथ से छीन करके वो लोग ने भाग निकला है। टैक्सी शोफेर जो अपना गाड़ी वहां उस समय घुमा करके जाना चाह रहे थे, वो देख लिया कि दो डाकू इस बच्ची को लूटे हैं, वो तुरंत सिपाही को तार किया। दो डाकू ये सब एक लाल गाड़ी में कूद के बैठे और वहां से भाग निकला है। मोबाइल टेलीफोन, पोर्टमोनी, 120 एसआरडी, नीदरलैंड से रेबुवेस, पेन पास, बहुत से सामान बच्ची के पास थी, लेकिन डाकुओं ने छीन करके और वहां से भाग निकला है। एर्नेस्टो हे ये डाका डालने के समय गिरफ्तार हो गया है। Hey, beroofde een 21-jarige jonge dame aan de molenpad. Lekin, daka dalne ke baad, ab waha se bhaagne laga. Bhaagne ke koosjes kia, ek jaga jake ke jhalasi me luka gaya. Lekin, politie jab pahunch gaya samay par, is jhalasi me is daku ko dekh liya, waha pa giraftar kar liya hai. Ek 27 saal ka aadmi, एक आदमी को कटली से कटाई काटी से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए स्पोर्ट एशन हेलो को पहुंचाई गई है। प्यारे, उसका नाम रूपी, रूपी भाग गया कटली चला करके। ये क्या करी से, एक पैजामा ये चोरी कर करके भगा वहां से, एक पैजामा चोरी करके आदमी भगा
और जिस आदमी के पैजामा वो एक कटनी चलाई से बप्पा, लेकिन वो पैजामा लेकर के भाग गया है। मैं आगे चल करके प्यारे प्यारे लोग जनता, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, हमारा देश निवासियों, भाइयों बहनों, आप लोग समझ गए हैं कि सब स्कूल के बच्चों को फकांसी मिल चुका है, स्कूल के बच्चों को फकांसी मिल चुका है। लेकिन एक बात जो है स्कूल फरफूर के बारे में, आफन ऑफ लेडिंग सरमक्का से जो बेस्ट चल है, स्टार्स ओली ने बेस्ट चलने के लिए इजाजत दिया था, और स्टार्स ओली ये बेस्ट हाउसेस को पैसा देता, लेकिन अभी तक दिया नहीं। फिर भी ऑनरेबल मिनिस्टरी को चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए कि ये लड़कन स्कूल गए हैं रात्रि के समय, स्कूल फॉर फोर फॉर द आफोन ऑफ लेडिंग फॉर एट सारमाका, और स्टास ओली ने चाहे कहा था कि वो पैसा भरेगा, लेकिन वो पैसा नहीं दी है। इसलिए असेंबली लेट नाओमी सामीदेन वो कहती है कि उन्हें याद है कि दो साल पहले स्टूडेंटन हेल्प का मांग किए थे, क्योंकि वो लोग के फरफूर के जरूरी था और अपग्रेडिंग शहर में जो होता है। प्यारे लोग, स्टार्स ओली ये समस्या अपने ऊपर लिया था, लेकिन पता नहीं है कि स्टार्स ओली क्यों ये पैसा अब नहीं देना चाहता है। करीबन 200 स्टूडेंटन जो शहर को आते पढ़ने के लिए, और देखो क्या हो रहा है कि जो बस चला चुके हैं जिन्हों को पैसा होना चाहिए, स्टार्स ओली ये पैसा उनके नहीं देता है। ये मुसीबत है, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। इसलिए कमिश्नर्स ने कहा कि स्टार्स ओली को यह पैसा देना चाहिए, क्योंकि स्टार्स ओली इन बच्चों को वादा दिया था। हमारे देश के जनता, सेंट्रल फॉर लास्ट दीदार और खनिशासी, हो सकता है कि ये सब भी फीसों से बाहर होगा, फीसों से बाहर ये लोग हो जाएगा, क्योंकि रोनाल्ड होखार हमेशा ये बात कहा कि फीसों अंतनारन लोग के लिए ठीक नहीं। इन दिनों में रोनाल्ड होखार डेल्टलैंड में है, इसलिए मिस्किन से लोग के कारोबार देख रहा है। मिस्किन कहता है कि ये 12 पेंच भेजे बात करने के लिए सरकार से अंतनारन के लिए, लेकिन फीसों बीच में आकर के इन समस्या को रुकावट कर रहा है। इसलिए इनका विचार है कि फीसों से शायद ये लोग भी अलग हो जाएगा। प्यारे प्यारे लोग, श्रीमान गिरिजा सिंह का यह विचार है कि जैसे श्रीमती न्यूज स्त्री के सभा नेत्री न्यूज के विचार है कि जो स्टार्ट स्रोत है, स्टार्ट स्रोत फिनेंशियल का मिनिस्टर, ये सब गलत बात जनता के सामने लाए हैं, खासकर के असेंबली के सामने। इसलिए गिरिजा सिंह का विचार है कि प्रोकुरर जनरल को चाहिए अब दरख देने के लिए जो न्यूज के कलाक्त है ये बात अंदसुख करने के लिए। सब लोग एक ही सवाल करते हैं कि न्यूज एक नया पॉलिटिक पार्टी है, न्यूज स्त्री एक नया पॉलिटिक पार्टी, अभी ठीक से पार्टी उद्घाटन नहीं हुआ। एनपीएस, फेहापी, आबोप, डू, ये सब पुराना पार्टी है। नेश कैसे अब जाकर के ये बात देखी है कि स्टार्स खोच जो साहेब अब्दुल जी वेनरमान और फिनेंशियल का मिनिस्टर, इतनी कम असेंबली लीडर के सामने पेश किए हैं, कैसे नेश को यह बात पता चल गई कि वो गलत है, और पुराना पार्टी जो असेंबली में है वो लोग को अभी तक पता नहीं था। इसीलिए भाई बहनों, असेंबली लीडर को भी चाहिए
कम से कम एक आलखमीन उपयोग नहीं रह के। अगर आप लोग ये बात अंधसुख क्या होते तो आप लोग का इज्जत और होता। लेकिन नई जो एक नया पॉलिटिक पार्टी अभी उद्घाटन नहीं हुआ वो देख लिया है कि जो स्टार्ट मिनिस्टर हुजरात सामने रखा वो कमती रखा है और यह गलत है, इसलिए न्यूज ने पीछे के पास जाकर के और नालिश की है हुजरात के ऊपर, वेजरमान के ऊपर, ताकि प्रवक्ता जनरल उन्हें सुख करे। और हो भी सकता है कि अगर जानबूझ करके ये लोग ने गलत साइफर दिया होगा तो अब चाहिए नेशनल असेंबली को इन टोटालिटेट हुजरात को मुंशीफा वन थ्रोन पेश करके उन्हें विदा करवा दे, उन्हें विदा करवा दे। प्यारे लोग जनता, अभी मैंने आपको कहा है कि पतंग उड़ाने के समय आ गए हैं। तो भाइयों बहनों, आज मार्टिन लूथर किंग वेख यहां लातूर वेख है, कृष्ण दत्त राम रमाश्रे ये 5 साल से वहां पतंग बेचता है। ये फकांसी टाइट है, अगर पतंग खरीदना हो तो कृष्ण दत्त राम रमाश्रे को मदद कीजिए। ये बेचारा 5 साल से पतंग बेच बेच करके अपना पेट भरता है। सबसे बड़ा पतंग का दाम 50-60 रुपया के है, समझे ना भाइयों। हाइडी क्लाफर द फोर्सेटर फॉर द बॉन्ट बेहद डायरेक्टोरेट कल्चर, कल्चर का एक डायरेक्ट एक बॉन्ट है और यह बॉन्ट भी कल्चर के समस्या को उस पर ध्यान रखता है। हमारे देश के तमाम जनता, कल्चर के बात अगर हो रहा है इस पर सरकार को और ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कल्चर के काम बहुत होता देश में लेकिन उसका प्रचार बड़ी कम हो रहा है। अब आप खुद देखिए कितना समस्या हो रहा है देश के अंदर में। अभी हम लोग यफान से इनकी खराची को मनाए हैं, आगे चल करके हम लोग इंगी परिवार के लिए जो जश्न मनाया गया है उन लोगों के लिए प्रोग्राम था। हर एक की अपना अपना कल्चर है। ऐसे ऐसे करके श्रीनाम में हर एक धर्म वालों को कम से कम 2-2 त्योहार उन्हें नेशनल त्योहार फीस दाख के करार दिया सरकार। जैसे हमारे हिंदू परिवार को दिवाली और फगुआ नेशनल फीस दाख है, मुसलमानों के लिए ईद उल फित्र और ईद उल अधा नेशनल फीस दाख। ऐसे मलाई के इंगी परिवार, झूका परिवार, मरुन परिवार और जो कैश फीस वगैरह कैश लाख, मतलब मिला करके हर एक धर्म वालों को सूरीनाम में पूरा हक दिया गया है, पूरा हक दिया गया है। 2-2 त्योहार नेशनल फेस दा, जो दुनिया भर में अगर आप ख्याल करेंगे तो ऐसे नहीं है। लेकिन सूरीनाम में ये सरकार ने मुकर्रर की है, मुसलमानों को 2 दिन दिया, हिंदू धर्म के 2 दिन दिया है, लेकिन हम लोग ये नेशनल त्योहार के लिए क्या करते हैं। अभी जो आएंगे ईद उल अधा नेशनल त्योहार है, आप ईद का नमाज पढ़ेंगे और फिर कुर्बानी होगा तो कुर्बानी का सिन भी बटेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे। क्यों एक नेशनल फेस दाग के मतलब है कि सरकार के अपने अलग से कोई न कोई प्रोग्राम ही करना चाहिए।
सरकार जो नेशनल फेसडा के करार दिया है, सरकार को भी सरकार का प्रोग्राम भी होना चाहिए, ना खाली मुसलमानों का प्रोग्राम कि वो मस्जिद को जाएंगे और कुर्बानी का सिन्नी बांटेगा। लेकिन रखेरे सूरीनाम क्या करेगा? रखेरे सूरीनाम के कम से कम खमेंस खाब, मौसी खमेंस खाब के लिए एक रसेप्सी चाहिए, देने के लिए एक रसेप्सी, जिस रसेप्सी में अनेक अनेक प्रकार का एम्बेसडर जो सूरीनाम में है उन लोगों को बुला करके उनको बताना चाहिए कि सूरीनाम के रखेरे ईद उल अधा को नेशनल करार दिया है और किस कारण से, क्योंकि एम्बेसडर लोग जानना चाहते हैं ये कौन सा त्योहार है और क्यों ये नेशनल फेसडा है। ये सिर्फ जान सकते हैं जब सूरीनाम का रखेरिंग, और जो हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर के बाद जब हम करते हैं तो सूरीनाम के रखेरिंग को एक प्रेस या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक रिसर्च देना चाहिए। हर एक एम्बेसडर जो सूरीनाम में है और उन सब के लिए वही संदेश होगा कि सूरीनाम के रखेरिंग ईद उल अधा एक नेशनल त्योहार के करार दिया है, इसे नेशनल फेसडा और क्यों उसको मनाए जाते हैं, ये सब कोई जानना चाहते हैं, खास करके जो एम्बेसडर्स लोग हैं सूरीनाम में। लेकिन खाली मुसलमानों लोग मस्जिद जाकर के कुर्बानी और कोई कहीं नहीं, बाकी लोग कोई मछली पकड़े गया, कटिया लगाने गया, कोई फुटबॉल खेलने के लिए गया, और कोई के परवाह है ही नहीं। जो इस्लाम नहीं है वो मस्जिद को नहीं जाता है। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। दिवाली आवे एक रिसेप्शन होना चाहिए सरकार के अलग से, फगुआ एक रिसेप्शन, और सब एम्बेसडर को ब्राजील या अमेरिका नीदरलैंड सबके बुला करके उन्हें बताना चाहिए आपको कि हम लोग दिवाली या फगुआ क्यों मनाते हैं। एक रिसेप्शन होना चाहिए और बड़े बड़े बिजनेसमैन या हिंदू धर्म या मुस्लिम को उन्हें उस रिसेप्शन में न्योता होना चाहिए। यह सरकार को करना चाहिए। वो बहादुरी नहीं है कि नेशनल त्योहार दे दो और फिर खत्म, नहीं, उन्हें कदर होगा जब सरकार खुद रिसेप्शन दे करके और बाकी मुल्कों को दावत दे करके इंफॉर्मेशन देगा कि ईद उल अधा क्यों मनाए जाते हैं, उसका मकसद क्या है। क्योंकि सरनाम में एक ही मुल्क है जिस मुल्क में काम से ज्यादा छुट्टी के दिन है। जब सुनो तो छुट्टी बप्पा, जब देखो तो छुट्टी यानी फ्राई है। सरकार को एक बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग चाहते हैं कि नेशनल फेसडा जो दे गया तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी उस दिन के लिए कुछ करना चाहिए जब देश का ओनाफांक लखेट आते हैं 25 नवंबर, तो देश जनता सब कोई उत्सव को मनाता है, लेकिन सरकार एक रिसेप्शन दे करके और हर एक एम्बेसडर को बुला करके उन लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि सूरीनाम के जनता इस बात से सहमत नहीं है, फेफन तक हम नई जलांधर थे और नई जलांधर एनपी का एज रखेरिंग हम लोग के हाथ से हम लोग के नेशनलिटी छिनवा लिया है। यही एनपीएस, यही पीएनआर, यही पीएसपी, ये मिल करके हम लोग नई जलांधर जो थे उन समय हम लोग का नेशनलिटी, इस देश के आजादी करने के बाद हम लोग को नेशनलिटी हम लोग के हाथ से निकाल लिया है। नई जलांधर के रखे कौन सा फरखुदन दिया है हम लोग को,
Klokje voor 1975. Hamloop, Samloop, Nederlander te. Voor Hamloop, Atsanek. Surinamer bananen te maat. Nederland pani me haat dhokar ke. Au soche ki wo sab kuch kar diya hai. Pyare bhaiyon. Surinam ke rakhe rein ko ye sab baat par dhyan rakhna chahiye. Ki hamara nationality. Begar hamare ijazat se. Jabardasti. Nederland hamare haat se. Ye Nederland se nationality nikal diya hai. Aur hamara haq par hamla kiya hai. Aur Surinam ke rakhe rein. Penichan aur Aaron wagara wagara. Un logo sirf taaliyan bajane ke liye tha. Kyunki desh azad hua. 3.5 million. Yani Nederland se guldens mila hai. Unko project chalane ke liye. Ye log ne janta ke liye paisa ki mang nahi ki hai. That elke burger. Un logo ko kuch paisa mile. Kyunki unka Nederland khat. Nikal diya gaya un logo ke haath se. En dat heeft de regering, de Surinaamse regering, niet gedaan. En de Nederlandse regering was al lang ermee blij. Isilie, je hebt hem ook een patatela. Je hebt hem ook een 30 juli 19. Had het één. Jabba Marieburg met loco katal kia gea. A katal karne ke baad. Wo loco garha khod karke. Ek masa kharaap me band kar diya. Uske baare mein hum zikr bhi kiye the ki Surinam ke sarkar to mang nahi ki lekin de stichte Hindustan se migratie aur stichte gevallen helden ye Holland ke sarkar se kaha tha dat Nederlandse regering excuses ook moest aanbieden aan de Surinaamse nazi. Dat heeft Holland niet gedaan. Wat itna aadmi ke maar karke garha mein dafan kar diya. De Nederlandse regering heeft geen excuses aangeboden. De Nederlandse regering 25 november ko Surinam ko azad karke hamara nationaliteit jabardasti humse chheen liya. Wij hebben geen vergoeding gekregen. Aur jitne organisatie yahan hai Nederland mein hai wo sab apne apne liye kaam karte hain. Kamerlid banna chahte hain, yahan baithna chahte hain, ba koi apna awaaz ko nahi uthaya ki rakhe rahenge Nederland. Aap jo kal loh janta ke saath wahan dikhti 75 wo janta ke saath aap gaddari kar lo hai, gaddari kar lo. You have the Surinamers, the Nederlanders opgelicht. Hum log uske baare mein koi sene sana sunila. Bhai bhaino, ye vakansi ke mahina hai. Aur vakansi mahina mein hum log aur baat kahenge taaki janta ko ye sanesha mile ki hum log ke saath hamesha gaddari bhai hai. Kai baar hum log ke saath dhoka hua bhaiyo bhaino. Main aap log ko sanesha de raha hu ki aap chitauni ho jao. Ke baar baar hum log ke saath dhoka mat kiya jaye kyunki hum log dhoka khate khate bilkul lachar ho gaye hain. Hum log itni kamzor ho gaye hain ki hum log ke liye laat khana, dhoka khana ye aisa cheez ho gaya hai ki jaise hamesha insaan insaan ke saath mazak karte hain aise hum log ke saath hone laga hai. Phir hum aapse mulaqat karenge.